Hi, this is Farooq Khan and welcome back to my channel FRK Info. And please मेरी वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें. तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो. पुराना किला दिल्ली का सबसे पुराना और ऐतिहासिक किला है. ये किला दिल्ली के प्रगति मैदान के पास बना हुआ है. ये किला लगभग 600 साल पुराना है और इस किले को मुगल सम्राट और हुमायूं और सूरी सुल्तान और शेरशाह सूरी ने अलग अलग वक्त में बनवाया था. पुराने किले से जुड़ी कई कहानियां हैं और इसके अंदर कई संरचनाएं मौजूद हैं. पुराने किले की दीवारें 18 मीटर ऊंची हैं और लगभग 1.5 किलोमीटर तक फैली हुई हैं और इसमें तीन प्रवेश द्वार हैं, जिसमें पश्चिम प्रवेश द्वार को बड़ा द्वार बोला जाता है और वो अभी भी उपयोग किया जाता है, और इसके दक्षिण में हुमायूं द्वार के नाम से जाना जाता है, और इसका तीसरा द्वार तराकी द्वार के नाम से जाना जाता है. सभी द्वार दो मंजिला बलुआ पत्थर की संरचना है, जिनके दोनों ओर दो विशाल बुर्ज हैं, जिन्हें सफ़ेद और रंगीन संगमरमर की चुड़ाई और नीले टाइलों से सजाया गया है. दिल्ली के नए शहर का निर्माण मुगल सम्राट हुमायूं द्वारा प्राचीन इंद्रप्रस्थ खंडरों के आसपास के क्षेत्र में किया जा रहा था. अबू फजल ने कहा कि इसने प्राचीन इंद्रप्रस्थ के स्थान पर किला बनवाया था. सूरी राजवंश के संस्थापक शेर शाह सूरी ने हुमायूं को हराया और किले में परिवर्तन किए, इसकी किलेबंदी को मजबूत किया और इसकी दीवारों को पूरा किया. उन्होंने वहाँ पर शेरगढ़ नामक एक और किला भी बनवाया, जहाँ गवर्नर रहा करते थे. पुराने किले के अंदर शेरशाह सूरी द्वारा बनाई गई सन 1541 में किलाए कुहना मस्जिद शामिल है, और ये मस्जिद सुल्तान और उसके दरबारियों के लिए जामा मस्जिद के रूप में इस्तेमाल की जाती थी. द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश साम्राज्य ने भारत के इसी किले के अंदर 2000 जापानी नागरिकों को नजरबंद कर दिया था. सन 1970 के दशक में पुराने किले की प्राचीर को पहली बार रंगमंच के लिए पृष्ठभूमि के रूप में इस्तेमाल किया गया था. पुराना किला दिल्ली का एक खूबसूरत और ऐतिहासिक किला है. अगर आप दिल्ली जाएं तो पुराने किले को जरूर देखें. अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें. थैंक यू सो मच.